डियर स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे सिट्रस के डिजीज। सिट्रस के अंदर अपन बैक्टीरियल डिजीज पढ़ रहे थे, तो बैक्टीरियल के अंदर अपन ने कैंकर पे डिस्कस किया था। तो कैंकर के अंदर अपन ने सिम्टम्स का टॉपिक कंप्लीट कर दिया। तो सिम्टम्स में सिंपल सी बात है कि उसके ऊपर क्या बनते हैं, उसके ऊपर जो कैंकरस जो स्पॉट होता है या फिर जो लीजन्स होते हैं, ऐसे पस्टूल जैसे उभार, ऐसे घाव जैसी संरचना बन जाती है, तो वो चीज़ें क्या होती है कि उसके पूरे संपूर्ण भाग पे बनती है। ठीक है, उसके जो स्पाइक्स जो कांटे जैसे जो उसके ऊपर जो कांटे निकलते हैं उन पे तक उन पर भी इस पर आ जाते हैं इसके सिम्टम्स। तो ट्विग्स पे भी आ जाती है, मेन ब्रांच स्टेम पे भी दिख जाते हैं और उस पे फ्रूट पे भी दिख जाते हैं। तो मेनली जो अफेक्टेड पार्ट रहता है तो लीव्स और उसका फ्रूट। तो फ्रूट पे आने की वजह से उसकी मार्केट वैल्यू डाउन होगी, लीफ पे होने की वजह से उसकी लीफ के अंदर जो लीफ के ऊपर कोई भी चीज़ है तो लीफ अटैक होता है तो उसका सीधा इफेक्ट होता है उसकी प्रोडक्शन पे, क्योंकि लीफ के बगैर प्लांट का कोई सिस्टम होता ही नहीं, क्योंकि लीफ के बिना ना तो उसके अंदर कोई फोटोसिंथेसिस होता ना रेस्पिरेशन होता, तो सब चीज़ें उसकी डिपेंड करती है उस पर। तो इस आधार पर क्या करते हैं अपने इसमें सिम्टम्स के बाद में एक इसके अंदर फेवरेबल कंडीशन की जब बात करते हैं कि जेंटोमोनास जो बैक्टीरिया है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, प्री डिस्पोजिशन जिसको बोलते हैं। प्री डिस्पोजिशन मतलब वह कंडीशन जो या फिर सेट ऑफ कंडीशन जो कि प्लांट को वल्नरेबल बनाती है। ठीक है, दैट प्लांट मेक वल्नरेबल, तो उसको बोल देते हैं प्री डिस्पोजिशन, फेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या चीज़ है इसमें, किसके अंदर 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसको टम्परेचर चाहिए, टम्परेचर चाहिए इसको 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद में ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो ह्यूमिडिटी के अंदर मतलब हाई ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी का मतलब मोर देन 80%, 80% से ज़्यादा इसके अंदर क्या होना चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए। उसके बाद में क्या चीज़ होती है इसके अंदर, रेनी सीजन, रेनी सीजन और क्लाउडी वेदर, रेनी सीजन और क्लाउडी वेदर। और उसके बाद में क्या, जब ज़्यादा लाइट यानी कि जो डे लाइट की ज़्यादा होती है, जैसे मतलब लॉन्ग डे शॉर्ट डे, उस हिसाब से क्या होता है कि लाइट की ड्यूरेशन ज़्यादा हो, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो, तो उस टाइम में क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल ज़्यादा एक्टिवेट होती है, तो उस टाइम में इसमें इसके इन्फेक्शन के चांस बढ़ते हैं। सीधा सीधा संबंध देखें कि तेज़ धूप के बाद अगर बारिश की संभावना, तेज़ धूप के बाद में अगर बारिश होती है तो वो जो एक कंडीशन होती है वो क्या होती है, फेवरेबल होती है। उस हिसाब से अपने थोड़ा अनुमान लग जाता है कि इस टाइम में कौन सी डिजीज़ का अटैक हो सकता है, तो उस हिसाब से इसमें इसका जो फेवरेबल कंडीशन है वो 28 से 30 डिग्री और ह्यूमिडिटी हाई चाहिए। अब इसके अंदर एक चीज़ आ गई प्री डिस्पोजिशन के बाद में, अब इसमें है डिजीज साइकिल। ठीक है, तो जेंटोमोनास बैक्टीरिया एंटर किस में करता है डिजीज साइकिल होगा, तो देखो स्टोमाटा से एंटर करेगा। ठीक है, लेंटिसेल से करता है, ठीक है, लेंटिसेल से कर जाता है और स्टोमाटा से कर जाता है और वुंड से कर जाता है, या फिर जो मैकेनिकल इंजरी जो होती है उस वजह से प्लांट के अंदर अटैक कर जाता है। ठीक है, अब सॉरी एंटर कर देता है उसके अंदर से वुंड के थ्रू या फिर लेंटिसेल स्टोमाटा, यानी कि जो नेचुरल ओपनिंग होती है उसके अलावा वो मैकेनिकल इंजरी या फिर वुंड के थ्रू एंटर हो जाता है। अब इसके अंदर सीधा सा है कि डिजीज़ क्या है, सिस्टेमिक, नेचर क्या है इसका, सिस्टेमिक। तो वो क्या करेगा कि इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है उसके अंदर, इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, तो पौधे के जिस जिस भाग में उसको जाना होगा वो सारे भागों में चला जाएगा, तो सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो जाएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर एक चीज़ और है अब इसके अंदर डिजीज साइकिल स्टार्ट कैसे होगा, जो अपना ऑर्चार्ड होता है, ऑर्चार्ड जो अपना बाग लगा होगा उस बाग के अंदर, जैसे मान लो ये प्लांट था अपना, तो उस प्लांट के ऊपर इन्फेक्शन था। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि ये इन्फेक्टेड प्लांट था। ठीक है, इन्फेक्टेड प्लांट में इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स क्या आ जाएंगे, उसकी ट्विग्स आ जाएगी और स्टेम जो होता है वो, और उसका फ्रूट
लीव्स मेनली जो सबसे ज़्यादा रोल जो रहता है ट्विग का, ट्विग के अंदर मतलब उसका इन्फेक्शन रहता है। और बैक्टीरिया का एक करेक्टर होता है कि ऊजिंग, बैक्टीरिया का एक करेक्टर होता है ऊजिंग। तो ऊजिंग का मतलब वो ऊज जो होता है वो क्या होती है, उसकी बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, या फिर बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं बोलें तो जैसे गटेशन के अंदर लिक्विड निकलता है, गटेशन के अंदर लिक्विड निकलता है क्या, उसके मार्जिन से पौधे की पत्ती की जो मार्जिन होती है उसके अंदर जो हाइड्रोथोड्स होते हैं उसके थ्रू वो क्या निकलता है, पानी निकलता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि इसके अंदर जो लिक्विड जो अफेक्टेड पार्ट होता है ना, तो उसमें क्या होता है एक लिक्विड सिक्रेशन होता है, लिक्विड सिक्रेशन या फिर एग्जुडेट्स बोलते हैं जिसको। एग्जुडेट मतलब कोई स्राव निकलता है, पौधे से स्राव निकलता है, तो उस स्राव को क्या बोलते हैं, देखो उसके अंदर उस लिक्विड के अंदर क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल्स होती है, उस लिक्विड में क्या होता है बैक्टीरियल सेल्स होती है। तो बैक्टीरियल सेल्स होने की वजह से या फिर वो बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है और उसकी जो स्ट्रक्चर होती है तो उसको क्या बोल, अगर माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं उसको तो उसमें दिखता है कि वो क्लाउडी स्ट्रक्चर दिखती है, उसके अंदर एक बादल जैसी ऐसी संरचना दिखाई देती है, वाइट कोट ने जो सफेद बादल जैसी संरचना दिखाई देती है उसको ऊज बोल देते हैं। तो ऊजिंग का सीधा सीधा संबंध कि अगर कोई इफेक्टेड ब्रांच से अगर कोई लिक्विड निकलता है जैसे अर्गट डिजीज में निकलता है तो उस प्रकार की उसको क्या बोल देते हैं, लिक्विड को ऊज बोल देते हैं। तो ये जो ऊज होता है ऊज के अंदर क्या होगा, बैक्टीरियल सेल होगी। वेक्टर इसमें क्या काम करेंगे, वेक्टर काम करेंगे इसके अंदर, देखो एक तो इसमें इंसेक्ट वेक्टर की बात करते हैं तो एक नाम आता है लीफ माइनर फाइलोपनिस्टिस ट्राई बोलते हैं उसको, ठीक है। तो लीफ माइनर इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, ऑब्जेक्टिव या फिर ब्लैंक्स में या फिर उसमें ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है कि लीफ माइनर सिट्रस कैंकर डिजीज को ट्रांसमिट करता है, तो इसी हिसाब से कोई सेंटेंस बना के पूछ सकता है इसमें। तो लीफ माइनर इसका क्या आ जाएगा, वेक्टर। दूसरा क्या आता है, रेन, ठीक है। रेन स्प्लैशेज मतलब हवा के साथ में बारिश होती है तेज झोंकों के साथ में, तो वो क्या करती है इसको डिजीज को स्प्रेडिंग का या फिर सेकेंडरी स्प्रेड जिसको बोलते हैं, तो वो उस वजह से होता है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, अगर कोई अफेक्टेड प्लांट पार्ट सोइल के अंदर पड़ा है तो उसको अभी वो प्राइमरी इनोकुलम या फिर प्राइमरी सोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जो इसकी ब्रांचेज है इन ब्रांचेज पे अगर इन्फेक्शन है हवा के तेज या तेज़ हवा की वजह से और बारिश की वजह से, ये ऊज जो होता है वो स्प्रेड हो जाता है नए प्लांट पे, ठीक है। तो नए प्लांट पे होगा, नए प्लांट की जो कोई भी लीफ होगी उस पे अटैक करेगा तो उसके हाइड्रोथोड से बैक्टीरिया कहाँ एंटर कर जाएगा, उनकी सेल के अंदर, तो फिर वो फिर वापस इंट्रासेलुलरी ग्रो करेगा और फिर वापस कंडीशन वही आ जाती है। तो ये सिंपल सा इसका फैलने का तरीका होता है। तो इसमें इसका डिजीज साइकिल बनाएंगे तो इसमें कैसे बनाएंगे, देखो डिजीज साइकिल में देखते हैं तो क्या बनाते हैं इसको, देखो सबसे पहले इसमें क्या बनाएंगे, इन्फेक्टेड ट्विग्स और प्लांट पार्ट्स, तो ये इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स आ गए। अब उसके बाद में क्या होगा, इसमें बैक्टीरियल ऊज या फिर बैक्टीरियल ग्रोथ ऑन प्लांट। अब इसके बाद में इसमें जो आगे आएगा वो आ जाएगा कि यहाँ पे जैसे रेन एयर या फिर रेन स्प्लैशेज जिसको बोलेंगे, तो उस वजह से क्या होगा दूसरा लीफ माइनर, ये क्या करेंगे इसको एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे पहुँचाएगा। तो बैक्टीरिया एंटर थ्रू हाइड्रोथोड्स लेंटिसेल्स और मैकेनिकल इंजरी से वो चला जाएगा पौधे के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा, बैक्टीरिया
स्प्रेड इन प्लांट, ठीक है। और इसमें लिखे तो क्या लिखेंगे, स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया, रीच ऑन लीफ और ये फ्रूट पे किसी पे लिख सकते हैं अपने, और प्रोड्यूस ऊज, ये ऊज प्रोड्यूस करेगा, ऊज प्रोड्यूस करने के बाद में वापस साइकिल ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेकेंडरी इन्फेक्शन, ठीक है। और ये वापस पार्ट जो होते हैं वो ब्रांचेज, जो अफेक्टेड ब्रांचेज रहती है वो पौधे पे बनी रहती है। तो ये इसका लाइफ साइकिल आ जाएगा, डिजीज साइकिल। इंपॉर्टेंट है इसको याद कर लेना थोड़ा, सिट्रस की कैंकर डिजीज को। अब उसके बाद में आता है इसमें मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर देखो क्या होगा, इसमें सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें इतना। मैनेजमेंट के अंदर एक तो करेंगे अपने प्रूनिंग, ठीक है। प्रूनिंग का मतलब रिमूविंग डिजीज्ड पार्ट फ्रॉम द प्लांट, पौधे से डिजीज पार्ट को रिमूव कर देते हैं। दूसरा क्या आ जाएगा, देखो आसपास का जो उसके अंदर जो फील्ड होता है, तो उसको आसपास के अगर उसमें ब्रांचेज है, इन्फेक्टेड जो प्लांट पार्ट्स होते हैं उनको हटा देना चाहिए, ठीक है। रिमूव द इन्फेक्टेड और फॉलन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड, फील्ड से या फिर और चार्ट से अफेक्टेड प्लांट पार्ट्स को हटा देना चाहिए। वहाँ पे बने रहेंगे तो वो इनोकुलम को ही पैदा करेंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद में क्या करेंगे, अपने रेजिस्टेंट वेराइटी की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंट वेराइटी में एक नाम आता है इसमें कुर्ग। कुर्ग जो है उसको रेजिस्टेंट बोलते हैं कि रेजिस्टेंट वेराइटी है इसके लिए, तो वो अपने यूज कर सकते हैं इसमें। अब इसके बाद में बैक्टीरियल डिजीज है, तो बैक्टीरियल डिजीज है तो इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे रेन बारिश बुरिश है तो इस चीज़ से या तेज़ हवा से बचाने के लिए उसमें क्या करते हैं, और चार्ट के चारों तरफ अपने हवा की वो पट्टियाँ लगाते हैं वो लगा सकते हैं। अब इसमें केमिकली बात करें तो इसमें क्या करेंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट बोर्डो मिक्सर और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, तो ये अपने काम में ले सकते हैं, ठीक है। ये जो है 500 ppm इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना कि 500 ppm स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट को यूज़ किया जाता है इसके लिए, कैंकर कंट्रोल के लिए। बोर्डो मिक्सर जो होता है 5-5 50 का, ये ले सकते हैं। COC है 0.3% का स्प्रे कर सकते हैं, तो ये सारे इसके लिए इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट में आ जाएगा। केमिकल का ही मेन इश्यू रहता है, तो केमिकल में स्ट्रेप्टोमाइसिन सबसे ज़्यादा, ये चीज़ और पूछते हैं ट्रू फॉल्स में पूछ लेते हैं एग्जाम में कि स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट को इसमें काम में लिया जाता है और उसकी डोज पूछ लेते हैं, तो 500 ppm इसमें याद रखनी है। तो ये हो जाती है अपनी यहाँ पे कैंकर कंप्लीट। उसके बाद में इसमें नेक्स्ट डिजीज आती है एक डाईबैक। डाई बेक का मतलब डाई तो होगा प्लांट और बेक उल्टा, ठीक है, उल्टा, या फिर इसको बोलते हैं
सिट्रस डिक्लाइन, क्या बोलते हैं इसको, सिट्रस डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब जैसे कोई ग्राफ होता है तो ये पीक पे जाता है, पीक के बाद में जैसे जैसे वो डिक्लाइन की ओर आता है, मतलब टॉप जो होता है पीक से नीचे की तरफ आना, तो ये जो चीज़ होती है तो वो क्या कहलाता है, डिक्लाइन। डिक्लाइन को ही बोलते हैं डाइबैक। और डिक्लाइन में बहुत सी चीज़ें आती है, देखो डिक्लाइन के अंदर क्या आता है, डिक्लाइन में डाइबैक आ जाता है और इसमें गमोसिस भी होता है और एक सीटीवी वायरस, सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस। ये तीनों जो डिजीज होती है इसके अंदर क्या होता है, पौधे के अंदर डिक्लाइन ही होता है। डिक्लाइन का मतलब पौधा ऊपर से सूखता पूरा पौधा ऊपर से सूखा हुआ दिखाई देगा और ऊपर से नीचे की ओर पूरा सूख जाएगा। तो ये इसमें तीनों ही काम करते हैं कि सीटीवी में भी ऐसा ही होता है, डाइबैक में भी ऐसा ही होता है और गमोसिस में भी ऐसा ही होता है। तो अब इन सब की चीज़, इन सब का कारण डिक्लाइन का कारण क्या होता है, ये तीन टाइप की डिजीज होती है। तो डिक्लाइन अपने सीधा बोलें तो डिक्लाइन में डाइबैक आता है, गमोसिस आता है और सीटीवी आता है। अब इसके अंदर एक चीज़ आती है डाइबैक। डाइबैक का सीधा सा मतलब वही है कि ऊपर से नीचे की ओर पौधे का सूखना। इसमें तीन चार सिम्टम होते हैं कि टॉप की जो लीफ होती है, टॉप लीफ या फिर एपिकल जो लीव्स होती है या फिर जिसको टर्मिनल बोलते हैं, टर्मिनल लीव्स जो होती है वो फॉल ऑफ हो जाती है, टर्मिनल लीव्स फॉल ऑफ हो जाएगी। और क्या होगा, इसकी जो बड्स होगी या जो सूट होगा वो क्या हो जाएगा, ड्राइड हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, ड्राइड पार्ट जो होगा कन्वर्ट इनटू ब्लैक और ग्रेइश कलर, ये इसके सिम्टम आ जाएंगे, ठीक है। और ऊपर से पौधा जो होगा वो क्या होगा, टॉप टू डाउनवर्ड ड्राई, टॉप टू डाउनवर्ड ड्राई होगा, मतलब ऊपर से नीचे की ओर सूखता चला जाएगा। तो ये चीज़ आती है डाइबैक में। ये सीधे से सिंपल सिम्टम है, ये नोट कर लेना, मेरे लिखे भी हैं इसको। तो ये एक चीज़ इसमें देखो, दो तीन चीज़ें इसमें काम करती है कि डाइबैक जो डिजीज होती है उसके अंदर सबसे बड़ा काम रहता है कि इसमें एक तो फैक्टर कौन सा काम करता है कि डाइबैक होता किससे। तो कहीं कहीं पढ़ते हैं तो कॉपर की डेफिशिएंसी भी बोलते हैं, कॉपर डेफिशिएंसी, ठीक है, कॉपर की डेफिशिएंसी का कारण भी मानते हैं इसको। एक चीज़ और होता है कि इसमें निमेटोड भी मानते हैं कि निमेटोड की वजह से भी क्या होता है, सिट्रस के अंदर डाइबैक होता है। और इसके अलावा क्या होता है कि फंगल इसके अंदर फैक्टर भी होता है, फंगस की वजह से भी क्या होता है इसके अंदर डाइबैक हो जाता है। तो ये जैसे मैंगो माल फॉर्मेशन में फैक्टर काम करते हैं वैसे इसके अंदर फैक्टर काम करते हैं कि निमेटोड भी है, कॉपर की डेफिशिएंसी भी है और फंगस का अटैक भी है। तो ये सारी चीज़ें इसमें, सारे फैक्टर भी काम करते हैं इसके अंदर, ठीक है, इसमें सारे फैक्टर काम करते हैं। और इसके अंदर वायरस का भी, सीटीवी वायरस होता है, उसका भी थोड़ा रोल बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें वही है, कॉपर डेफिशिएंसी, निमेटोड और फंगस। मेनली जो सबसे ज़्यादा रोल रहता है वो रहता है फंगस का। और जो डाइबैक होता है तो डाइबैक कौन करता है, जैसे चिल्ली के अंदर डाइबैक होता है, ठीक है, कोलेटोट्राइकम ग्लोस्पोरडस, तो ये इसका कोजल ऑर्गेनिज्म होता है कि कोलेटोट्राइकम इसमें मेन रोल मानते हैं इसके अंदर। ग्लोस्पोरिडस
फंगल फैक्टर ये हो गया, कॉपर की डेफिशिएंसी हो गई, और निमेटोड। निमेटोड वैसे फ्यूजेरियम जैसी डिजीज में तो इंजरी में काम करता है, वैसे निमेटोड जो होगा सिट्रस के अंदर क्या होगा, रूट के अंदर अटैक करेगा तो वो क्या करेगा, उसमें गांठे बना देगा, तो वो एक को फैक्टर की तरह भी काम करेगा और पर्टिकुलर फैक्टर की तरह भी काम करेगा कि वो अकेला भी डाईबैक कर सकता है कि उसमें गांठे बन जाएगी तो पौधा वैसे ही अपने आप सूख जाएगा। कॉपर की डेफिशिएंसी है तो एक सीधा न्यूट्रिशनल वैल्यू है, तो न्यूट्रिशन की वजह से तो पौधे में वैसे ही कमी आ जाएगी। और फंगस का अटैक होता तो फंगस क्या करेगी, वो उसके ऊपर अटैक करेगी, अटैक करने की वजह से उसमें उसका ऊपर से नीचे की ओर सूखना शुरू हो जाता है। तो डाईबैक और कोलेटोट्राइकम जो फंगस होती है इसको ये डाईबैक करती है, और इसको एक और नाम लेते हैं, इसको बोलते हैं एंथ्राक्नोज। इसको क्या बोलते हैं, एंथ्राक्नोज। तो एंथ्राक्नोज डिजीज करती है कोलेटोट्राइकम, ठीक है। तो ये क्या होगा, सिट्रस का एंथ्राक्नोज डिजीज किसके द्वारा होता है, वो होता है कोलेटोट्राइकम। और एंथ्राक्नोज का दूसरा नाम क्या लेते हैं, डाईबैक। चिल्ली के अंदर भी डाईबैक होता है, वो एंथ्राक्नोज होता है। फ्रूट के ऊपर तो उसके अलग सिम्टम दिखाई देते हैं, बड़ा चकता बनता है, लेकिन पौधा क्या होता है एंथ्राक्नोज में ऊपर से सूखना भी शुरू हो जाता है, तो उसके इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, उसको भी डाईबैक बोलते हैं। तो ये एक सीधा सा कॉमन इसके अंदर बात है कि कोलेटोट्राइकम जो फंगस होती है वो क्या करती है, डाईबैक करती है। और एंथ्राक्नोज तो बताया कि एंथ्राक्नोज कौन करता है, कोलेटोट्राइकम करता है। कोलेटोट्राइकम ग्लोइस्पोरिडिस। अब इसके अंदर सिम्टम बता दिए थे, ठीक है, कि सिम्टम कैसे होते हैं, और सिम्टम इसमें नोट कर लेना, और मैंने पूरा कंप्लीट इसका लिख रखा है ये। तो ये इसके सिम्टम है, ठीक है। तो ये बताया वैसे ही है कि फॉलिंग ऑफ टर्मिनल लीव्स, ऊपर की जो पत्तियां होगी वो झड़ जाएगी। ड्राइंग ऑफ द शूट्स आर मेन सिम्टम, शूट का सूखना एक मेन सिम्टम इसका ये रहता है। ड्राइंग स्टार्ट फ्रॉम द टिप एंड मूव टू डाउनवर्ड, टिप से शुरू होगी कोई भी पार्ट, टिप का मतलब कोई भी पार्ट, जैसे ये पौधा है तो इसकी ये ब्रांच निकल गई, ये ब्रांच निकल गई, ये इसका शूट निकल गया मेन, ये ब्रांच निकल गई, ये ब्रांच निकल गई, तो इस पौधे की ये, इस ब्रांच की ये टिप होगी, इसकी ये टिप होगी, इसकी ये टिप होगी, मतलब इंडिविजुअल पार्ट जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा टिप से नीचे की ओर, टिप से नीचे की ओर इधर नीचे की तरफ बढ़ेगा, ये भाग भी नीचे की ओर सूखेगा, ये भाग भी नीचे की ओर बढ़ता जाएगा, और ये फैलता फैलता क्या होगा, पूरा पौधा सूख जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाईबैक। उल्टा उल्टा मरता भी है पर उल्टी की तरफ उल्टा चलता है, सीधा नहीं चलता। अब इसमें क्या होगा, ड्राई पोर्शन जो होगा वो स्ट्रॉ कलर का हो जाएगा या एस कलर का हो जाएगा। स्ट्रॉ कलर का होने के बाद में ब्राउन होगा एक बार, फिर वो धीरे धीरे क्या आ जाएगी, उसमें ब्लैकनिंग आ जाएगी। अब उसके बाद में क्या होगा, ए नंबर ऑफ एस रुबुलाई। एस रुबुलाई क्या होता है, ये तो बताया था कि एस रुबुलाई क्या होती है, एस रुबुलाई कौन बनाता है, फंगस में कोलेटोट्राइकम, ठीक है। तो कौन बनाती है, कोलेटोट्राइकम फंगस क्या बनाती है, एस रुबुलाई। एस रुबुलाई होता क्या है, एक डिस्क या तस्त्री नुमा संरचना होती है, कई बार बता दिया मैंने इसको, गन्ने में भी बताया था कि गन्ने की डिजीज में। तो इसके अंदर क्या बनते हैं, कोनिडिया और कोनिडियोफोर्स बने रहते हैं इसमें, ये सिटी निकलती रहती है, स्टरलाइज स्ट्रक्चर होती है, ये कोनिडियल लिब्रेशन में हेल्प करती है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ये एस रुबुलाई होती है। ये वैसे नेक डाई से देखते हैं तो ये क्या दिखेगी, ब्लैक डॉट लाइक अपीयरेंस होगी, ब्लैक डॉट लाइक अपीयरेंस होगी। कहाँ पे, जो ड्राइड पार्ट होगा ना पौधे के, उस पौधे के ड्राई भाग में ऐसे काले काले डॉट्स बन जाती है, तो उसको क्या बोल देते हैं अपने, एस रुबुलाई बोल देते हैं। और इनकी स्ट्रक्चर जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में ये सिटी और पूरी की पूरी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ठीक है। तो ये इसका इस सिम्टम में ये लिखा हुआ कि एस रुबुलाई अपीयर ऑन एस कलर्ड और ड्राई पोर्शन, ड्राई पोर्शन होगा या फिर एस कलर्ड पोर्शन होगा, जो ब्राउन कलर में बदल जाएगा या फिर जो ग्रे कलर में बदल जाएगा, उस भाग पे क्या बन जाएगी, एस रुबुलाई बन जाएगी। अब उसके बाद में ये तो इसका कॉमन सिम्टम हो गया कंप्लीट है। इसके बाद में प्री डिस्पोजिशन की बात करें अपने, फेवरेबल कंडीशन। तो प्री डिस्पोजिशन, प्री डिस्पोजिंग कंडीशन होती है वो क्या होगी, कोलेटोट्राइकम के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, देखो हाई ह्यूमिडिटी। हाई ह्यूमिडिटी मतलब, हाई ह्यूमिडिटी तो इसको चाहिए 85% से ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर कितना चाहिए, 85% से ज़्यादा, और रेनी सीजन, ठीक है, रेनी सीजन और कूल वेदर, रेनी सीजन और कूल वेदर। तो ये कंडीशन जो होती है इसको क्या करती है, डिजीज़ को अधिक फेवर करती है। अब इसका डिजीज साइकिल की बात करेंगे तो डिजीज साइकिल तो बहुत आसान है। प्राइमरी इन्फेक्शन किससे होगा, प्राइमरी इन्फेक्शन जो होगा वो क्या होगा,
कोनिडिया, ठीक है। जो ड्राइड पार्ट होगा, ड्राइड प्लांट पार्ट इन द सोइल, और जो पौधे के ऊपर ही जो ड्राई पार्ट, अगर इन्फेक्टेड प्लांट को अपने रिमूव नहीं करते फील्ड से, तो उस पौधे पे क्या होगा, ये पूरी की पूरी फंगस रहेगी और उसके ऊपर कोनिडिया डेवलप होगा। वो क्या होंगे, जो कोनिडिया होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, देखो एयर के साथ में एयर ब्राउन हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, हवा से उड़ के एक पौधे से दूसरे पौधे पे चले जाएंगे। तो उस वजह से ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी इन्फेक्शन भी यही है और सेकेंडरी इन्फेक्शन, और चार्ट में सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वही सेकेंडरी इन्फेक्शन बन जाता है। तो उसी वजह से क्या होगा, प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया, अब नए पौधे में जैसे स्ट्रक्चर बनेगी तो वो क्या करेगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन भी उसी वजह से हो जाता है। अब ये इसका डिजीज साइकिल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके सिम्टम और इसका मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होगा, कोनिडिया इसमें अगर बनाओगे तो क्या करोगे, इसके अंदर अफेक्टेड प्लांट पार्ट, अफेक्टेड प्लांट पार्ट्स, और इस पर क्या बनता है, एसरबुलाई, इस पर क्या बनता है, एसरबुलाई, एसरबुलाई के अंदर क्या बनेंगे, कोनिडिया, ठीक है, स्प्रेड थ्रू एयर, एयर से फैलेगा, इन्फेक्ट न्यू प्लांट, नए प्लांट पे इन्फेक्शन करेगा, डिक्लाइन और ड्राइंग ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लांट सूखेगा एंड फॉर्मेशन ऑफ एसरबुलाई और कोनिडिया, प्लांट पे क्या बनेगा, वैसा का वैसा वापस स्ट्रक्चर बन जाएगी, वो वापस घूमता रहेगा। तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन भी ऐसे चलेगा, और जब ड्राई हो जाएगा तो वो पौधे पे बना रहेगा या पौधा से सीधा कहाँ आ जाएगा, सोयल के अंदर। तो ये सिंपल सा इसका लाइफ साइकिल हो जाएगा। मैनेजमेंट में क्या होगा, इसका मैनेजमेंट में एक चीज़ और बताया मैंने, फैक्टर में क्या बात की थी अपन ने, कॉपर की डेफिशिएंसी और निमेटोड, कॉपर की डेफिशिएंसी और निमेटोड, और दूसरी चीज़ क्या एक की थी, फंगस की बात, एक कॉमन थिंग साइंस के अंदर, देखो कॉमन चीज़ है। अपने अगर अपने क्या करें कि सिट्रस के प्लांट के अंदर COC डाल दें, COC का मतलब कॉपर का ऑक्सीक्लोराइड, COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, या फिर बोर्डो मिक्सर जिसमें लाइम और कॉपर दोनों होते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डालेंगे तो एक चीज़ तो इसमें क्या मिलेगी अपने को, कॉपर, ठीक है, इसमें क्या मिलेगा, कॉपर, कॉपर के साथ साथ में क्या मिलेगा, एंटीफंगल कंपाउंड। कॉपर जो होता है वो क्या करता है, फंगस को मारता है, तो कॉपर के फंगिसाइड फंगस के मारने में काम में लेते हैं। तो ये क्या होगा, एंटीफंगल कंपाउंड हो गया। तो कॉपर एक तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को पूरा करेगा और दूसरा वो फंगस को भी मारेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका ये हो गया कि कॉपर की जितने भी फंगिसाइड है वो इसके लिए कंट्रोल में बेनिफिशियल है, कि उसको दोनों तरीके से उसको फायदा होगा। और जो कॉपर का जो ऑक्सीक्लोराइड होता है तो इसको क्या करते हैं अपने, ड्रेंचिंग में काम ले सकते हैं। तो ड्रेंचिंग में काम लेंगे तो ड्रेंच करेंगे तो वहाँ पे न्यूट्रिशन इसकी सप्लाई हो जाएगी। और दूसरा फोलियर स्प्रे भी इसका ले सकते हैं, तो फोलियर स्प्रे में लेंगे तो 0.3% का सोल्यूशन बना के इसका फोलियर स्प्रे भी ले लेंगे। निमेटोड की बात है तो निमेटोड के लिए अपने क्या चीज़ यूज कर सकते हैं, फोरेट एल्डिकार्ब, ये ठीक है। तो ये क्या होगा, एल्डिकार्ब और फोरेट, इनको क्या करेंगे अपने, इनके ग्रेन्यूल्स जो होते हैं सोइल के अंदर मिक्स कर देते हैं, या फिर उसके रूट जोन के पास में इसको में मिक्स कर देते हैं, ड्रेंच कर देते हैं, तो उस चीज़ से निमेटोड कंट्रोल हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, फंगस कंट्रोल के लिए अपने क्या करेंगे, इसके लिए मैंकोजेब, क्या करेंगे, मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम का स्प्रे कर देंगे। तो इसका क्या करें, 0.25% का सोल्यूशन और इसका 0.3% का सोल्यूशन। तो इसका अपने क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे तो ये जो फंगस होती है तो इसका अटैक रुक जाता है, या फिर रुक तो जाती है। इसके बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि लगभग तो जिस प्लांट में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके ख़त्म होने के ही चांस होते हैं, तो रिकवर होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि अपने सबसे पहली बात तो ये कि जो प्लांट अफेक्ट हो गया
उसको वहाँ से अपरूट कर देना चाहिए, मतलब उखाड़ के वहाँ से फेंक देंगे, नहीं तो पूरे ऑर्चर्ड के अंदर डाई बेक आ जाएगी और अपना प्रोडक्शन पूरा खत्म हो जाएगा। पौधा पूरा कंप्लीट डाई हो जाता है तो उसमें ना तो कोई प्रोडक्शन के चांस रहते और दूसरा इन्फेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसको हटा देते हैं, ड्रेंचिंग कर सकते हैं COC से, COC का छिड़काव कर सकते हैं और निमेटोड कंट्रोल करने के लिए फोरेट और LD-CARB के ग्रेन्यूल्स अपने उसमें पौधे में डाल सकते हैं। और क्या करेंगे, मैंकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं और कार्बेंडाजिम का स्प्रे कर सकते हैं, रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो कर सकते हैं। अफेक्टेड पार्ट जो होंगे उसको कम्प्लीटली पूरी तरीके से फील्ड को सैनिटेशन करना, मतलब वहाँ से जिस पार्ट से जिस पौधे को जहाँ से उखाड़ते हैं उस भाग में या फिर उस एरिया के अंदर कोई भी उसका अफेक्टेड पौधे का भाग नहीं रहना चाहिए और उसको वहाँ से उठाकर पूरा जला देना चाहिए। तो ये इसका सिंपल सा। और दूसरी चीज़, और चार्ड के अंदर तो वैसे ड्रिप इरिगेशन का अपने मेथड अपने उसमें काम में लेना चाहिए, ड्रिप क्या उसमें रिंग मेथड जो होता है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि रिंग मेथड जो होता है उसके अंदर इरिगेशन का, कि रिंग बनाते फिर उसमें ड्रिप चाहिए लगो, तो रिंग मेथड जो होता है उसमें क्या होगा, पौधा एक पौधे से दूसरे पौधे के अंदर पानी नहीं पहुँच पाएगा इरिगेशन का, तो वो क्या होगा पूरा अपना जो इन्फेक्शन के चांस रहते हैं वो लिमिटेड एरिया के अंदर रहते हैं, तो उसमें फैलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अब उसके बाद में क्या, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको अप्लाई कर लेना चाहिए, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की स्प्रे कर देना चाहिए। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में उसमें मेन टारगेट क्या रहता है अपना, कॉपर का, तो ये इसका कंट्रोल हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट अपने एक गमोसिस डिजीज है उसका नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे। थैंक यू।